आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। राखी माँ बन सकती है। राखी का यूट्रस सही है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स थे, काफी फाइब्रॉइड्स थे जो सारे निकाल दिए गए हैं और अब उनका पीरियड बराबर आता है, ना उनको पेन होता है ना उनको तकलीफ होती है। राखी सावंत के पति आदिल के जेल से बाहर आने के बाद अब तो खुलासे पर खुलासे करते जा रहे हैं। बीते दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उन्होंने कई सनसनीखेज बातें बताई और राखी को राक्षस तक कह डाला। आदिल खान के बाद अब पलटवार करने की बारी राखी की, लिहाजा उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मीडिया को बताया कि कैसे आदिल खान ने उनके साथ धोखा किया है। राखी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने आदिल की ईरानी गर्लफ्रेंड को कोई पैसे नहीं दिए हैं। आदिल की कथित गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि आदिल ने उस लड़की का 5 साल तक रेप किया और शादी मुझसे कर ली। उसने अपनी उस गर्लफ्रेंड को कहा कि मैं उसकी सिर्फ दोस्त। इसके अलावा राखी सावंत कहती है कि उन्होंने देखा था कि उनके ही घर में दूसरी लड़कियों के साथ वो अवैध संबंध बना रहे हैं। लड़कों के साथ मुझे मारने की कोशिश की दुबई में और यहाँ पर भी, लेकिन मैं खामोश रही। इससे पहले भी राखी सावंत ने एक और वीडियो शेयर किया था जिसमें वो अपनी डॉक्टर से बात करती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि थोड़े समय पहले उनके यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था। आदिल के साथ शादी के बाद मुझे बच्चा करना था, लेकिन अगर मैंने वक्त से पहले बच्चा किया होता तो मेरे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स नहीं हो पाता। राखी सावंत आगे बताती है कि वो अपनी डॉक्टर वीना शिंदे के पास आई हैं, जिसने उनका फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन किया है। राखी अपना कैमरा डॉक्टर की तरफ घुमाती है और डॉक्टर से कहती है कि राखी माँ बन सकती है। राखी का यूट्रस सही है, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स थे जो कि सारे निकाल दिए गए हैं और अब उनका पीरियड्स बराबर आता है, ना उनको दर्द होता है ना उनको तकलीफ होती है और वो अब माँ बन सकती है। इसके बाद राखी कहती है कि आदिल ने कहा कि आपने मेरा यूट्रस यानी गर्भाशय निकाल दिया है, तो इस पर डॉक्टर कहती है कि नहीं, यूट्रस नहीं निकाला गया, सिर्फ फाइब्रॉइड्स ही निकाले हैं। फिलहाल राखी से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहें सौगंध टीवी को, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।